जनपद हमीरपुर सरीला तहसील में एक के बाद एक हत्याओं के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हमीरपुर के सरीला कस्बे के चरिया थाने का है, जहां पर एक युवक को तब तक लाठी डंडों से ईंटों से पीटा गया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। दरअसल मामला छोटे से विवाद से जुड़ा था, जो हत्या का कारण बन गया। मृतक अतुल कुमार निषाद का पड़ोस के ही कुछ युवकों से 20 दिन पहले आपसी कहासुनी के कारण विवाद हुआ था। विवाद के चलते हत्या आरोपी युवक ने मृतक की शादी होने के बाद देख लेने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि मृतक की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। आज दोपहर करीब 1 बजे मौका पाकर चारों युवक घर के बाहर खड़े अतुल निषाद के ऊपर हमला बोल दिया। लाठी डंडों और ईंटों से इतना पीटा गया कि अतुल की मृत्यु हो गई। फिलहाल पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात अपर पुलिस अधीक्षक ने कही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद हमीरपुर के थाना जरिया के ग्राम चंडौत में एक 22 वर्षीय अतुल कुमार निषाद और दीनदयाल निषाद नामक लड़के की मारपीट के दौरान आई चोटों से मृत्यु होने की बात संज्ञान में आई है। संपूर्ण प्रकरण यह है कि कल दिन में 12-1 बजे के आसपास इसके द्वारा गाली गलौज की जा रही थी। मृतक के पिता द्वारा मना करने पर उसको भी गाली गलौज की गई और उसको गला दबा करके जमीन पर गिरा करके मारने का प्रयास किया गया। तो अन्य पड़ोसियों के द्वारा एवं पिता के द्वारा मृतक के साथ आपस में मारपीट करने से चोटें आई, जिसको घर वाले मेडिकल कॉलेज भुरई ले गए और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जनपद भुरई से हो रही है। इनकी कार्रवाई होने के बाद जो तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार जो भी साक्ष्य पाया जाएगा उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। 10 दिन नहीं हुई घर में, घर पे आई थी लेकिन घर से निकाल के चार लोगों ने इतना मारा कि बहुत जोर से उन्हें मारा। कैसे मारा? डंडा और डंडा गुम्मा भी मारी, ईंट पकी हुई मारी और डंडा डंडा टूट गया इतना मारा और गुम्मा फूट गए ज्यादा मारा। अभी शादी हुई मेरी 10 दिन भाई, ज्यादा दिन नहीं भाई। क्यों मारा? अब पता नहीं क्यों मारा, विवाद पता नहीं। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट।